दोस्तों मैंने इस चैनल के ऊपर में बहुत सारे वीडियोस बनाए, जैसा कि आप सभी जानते हो। YouTube से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, आप YouTube पे चैनल किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से आप टाइटल लगा सकते हैं वीडियो पे, किस तरह से आप वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, टैग्स लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, पूरा शुरुआत से लेकर के एंड तक मैंने हर एक बेसिक चीजों को क्लियर करने की कोशिश जरूर की है। और यहाँ पे आप सभी को ये सभी वीडियोस पसंद भी आते हैं, आप सभी के लाइक्स और आप सभी के कमेंट्स जो है उनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए, जिसमें कि आप YouTube चैनल बना तो लोगे, आपका चैनल ग्रो भी हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम एक ना एक दिन हर एक यूट्यूबर के साथ आती है, चाहे वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो, वो बड़े यूट्यूबर हो, चाहे वो नया नया स्टार्ट किए हो, वो छोटे यूट्यूबर हो, किसी भी टाइम पे ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इस चीज के ऊपर में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो कुछ करते हैं फटाफट से स्टार्ट। अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद आया, आवाज वगैरह सभी कुछ सही से आ रही है, तो कर दो फटाफट से वीडियो को लाइक, और साथ ही साथ यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूले। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने यहाँ पे जो थंबनेल लगाया हुआ है और टाइटल पे आपको जो मिला है इनवैलिड क्लिक, तो यहाँ पे हम जानेंगे इनवैलिड क्लिक एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब के वीडियो के ऊपर में जो एड्स आते हैं ना, जैसे मान लो अगर 100 एड आए, तो यूट्यूब ने एक ना यहाँ पे मतलब ये एवरेज लगाया हुआ है कि 100 अगर आते हैं तो उसमें से ज्यादा 15 एड पे क्लिक होगा, 15 से ज्यादा एड पे क्लिक नहीं होता है। 15 भी एक बहुत ज्यादा मतलब अमाउंट है, ज्यादा से ज्यादा 4, 5, 6 होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो अगर कई बार 15 से ऊपर अगर क्लिक्स होते हैं तो यूट्यूब यहाँ पे समझ जाता है, यानी कि गूगल एडसेंस ये समझ जाता है कि ये एड के ऊपर में बार बार क्लिक हो रहे हैं, वो भी जानबूझ करके, तो यहाँ पे YouTube इसको इनवैलिड क्लिक मान लेता है। और यहाँ पे जो भी मतलब अब जानते हो आप, इनवैलिड क्लिक अगर हो रहे हैं, अगर आपके एड के ऊपर में क्लिक हो रहे हैं, तो आपका रेवेन्यू यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको पैसे तो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन पैसे की लालच की वजह से कुछ लोग ऐसा करते हैं कि खुद के एड पे ही क्लिक करते हैं, अपने ही वीडियो को देखते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के फोन वगैरह को लेकर के बार बार वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं, जो कि आपका इनवैलिड क्लिक होता है। और इससे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए ये बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप इनवैलिड क्लिक करोगे, आपका जो मतलब एक एवरेज है CTR जिसको हम बोलते हैं क्लिक थ्रो रेट, वो जब 15 से ऊपर जाने लगेगा कुछ टाइम तक अगर डाउन नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका गूगल एडसेंस अकाउंट जो है वो डिजेबल हो जाएगा। अब डिजेबल हो जाएगा तो क्या होगा, अपने एड्स के वजह से, थोड़ा सा लालच के वजह से, थोड़ा सा पैसे कमाने की वजह से आपने क्लिक तो किया, CTR बढ़ गया और आपका जो गूगल एडसेंस है वो डिजेबल हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बार जो डिजेबल होगा वो आपका टेम्पररी डिजेबल होता है, जो कि 30 दिन के अंदर वापस से रिजोल्व हो जाता है। फाइनली जब उसके बाद में भी अगर डिसेबल हुआ तो ये परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, वापस से आप कभी इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो ध्यान देना है आपको इनवैलिड क्लिक के बारे में, जिसको भी नहीं पता है आप इस वीडियो को शेयर करके जरूर बताइए उनको, साथ ही साथ आपके अगर कुछ डाउट आ गए हैं तो वो आप जाकर के कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही, फटाफट से कर दो वीडियो को लाइक, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। सो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। Thank you so much for watching this video.